भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा जीती सीरीज रच दिया इतिहास। हासिल की ICC के नंबर वन रैंकिंग, किसको क्या मिला अवार्ड, बताएंगे सब कुछ इस हाईलाइट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, भारत ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे में 3-0 से हरा कर सीरीज, यही नहीं अभी और सुनिए, अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अवसर का लाभ उठाते हुए पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 212 रन की साझेदारी कर दी, वो भी 26.1 ओवर में। इसी बीच भारत के रोहित शर्मा ने 85 बॉल पर 101 रन का एक लंबा समय के बाद एक शतक पूरा किया, वो भी 9 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने शानदार 78 गेंद पर 112 रन की शतकीय पारी खेली, जिसमें कि 13 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। विराट कोहली ने तेज 36 रन की पारी खेली। ईशान किशन 17 रन, सूर्य कुमार यादव 14 रन, हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में तेज खेलकर 54 रनों की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर के 25 रन के योगदान से भारत का स्कोर 385 रन के एक पहाड़ सा स्कोर बना लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से डफी टिकनर ने 3-3 विकेट हासिल की, वहीं ब्रेसवेल को 1 विकेट मिला। पहाड़ सा लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 300 रन भी नहीं बना सकी और 295 रन पर ही सिमट कर रह गई। न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कनवे ने शानदार 100 गेंदों पर 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। हेनरी निकोलस ने 42 रन, डैरिल मिशेल ने 32 रन। न्यूजीलैंड कप्तान टॉम लेथन आज खाता भी नहीं खोल सके। ब्रेसवेल 26 रन, मिशेल सेंटनर 34 रनों का योगदान दिया। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव को 3-3 विकेट मिला, वही हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक को 1-1 विकेट मिला, चहल को 2 विकेट मिला। सीरीज जीतने के साथ ही भारत ने ICC ODI रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़कर नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर को दिया गया, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शुभमन गिल को मिला। धन्यवाद, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।